गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका हार्ट। कल हमने पढ़ा था हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, आज हम उसी के आगे थोड़ा सा और समझते हैं कि उसमें पेस सेटर क्या होता है, पेस मेकर क्या होता है, हार्ट कैसे फंक्शन करता है। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास हार्ट के चार चैम्बर होते थे, हार्ट के चार चैम्बर होते थे, टू अट्रिया एंड टू वेंट्रिकल। इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे राइट अट्रियम, इसको लेफ्ट अट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर एक वॉल प्रेजेंट थी इस तरीके से, और एक वॉल आपका यहाँ पर प्रेजेंट थी। मैंने बोला था इसको क्या बोलते हैं, बाई कस्पिड, ठीक है, और इसको क्या बोलते थे, इसको बोलते थे ट्राई कस्पिड। हमको समझना क्या है, मैंने बोला था यहाँ पर एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है, यहाँ पर क्या होते हैं नोडल टिश्यू, क्या प्रेजेंट होता है नोडल टिश्यू। इस नोडल टिश्यू को क्या बोलते हैं, साइनो अट्रियल नोड, क्या बोलते हैं साइनो अट्रियल नोड। यहां पर आपका एक दूसरा नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एवीएन, अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवीएन अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। हमसे कहा क्या जाता है कि ये जो एसएएन है इसको बोलते हैं पेस मेकर, पेस मेकर मतलब ये पेस जनरेट करता है। पेस जनरेट करने का मतलब ये एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। यहां से आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में भी जाता है, ठीक है, और यहीं से आपका ट्रांसमिट होता है कहां पर, एक तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल जो होता है उसको कौन ट्रांसमिट कर लेगा या कौन खींच लेगा, आपका एवीएन। ये जो पॉइंट है आपका जहां पर अट्रिया वेंट्रिकल से डिवाइड होता है, यहां से नीचे के डायरेक्शन में इस तरीके से आपके फैले होते हैं क्या, पुरकिंजे फाइबर, क्या फैले होते हैं पुरकिंजे फाइबर पूरे चैम्बर में, किसके वेंट्रिकल में। कहता है इस एक्शन पोटेंशियल को लेता कौन है, लेगा एवियन, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेस सटर। तो ये क्या करता है, ये एवियन जो होता है ये एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसफर करता है किसको, पुरकिंजे फाइबर को, एक्शन पोटेंशियल को इसको ट्रांसफर करता है, ये क्या है आपका पुरकिंजे फाइबर। ये एक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, इस पुरकिंजे फाइबर को ट्रांसमिट करता है, और ये पुरकिंजे फाइबर जो होता है इस एक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, पूरे के पूरे वेंट्रिकल में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। जबकि यहाँ से राइट अट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो डायरेक्ट ट्रांसमिट होता है, इसमें डायरेक्ट ट्रांसमिट होता है। तो देखिए अब होगा क्या, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है लगभग आपका ये 70 से 75 मिनट होता है पर मिनट। हमसे कहता है कि जो आपका ये एसएएन नोड है, साइनो अट्रियल नोड है, जब ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है तो यहाँ पर ये जो आपका अट्रिया होता है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, और साथ साथ लेफ्ट अट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और उसके बाद यहाँ से ये एक्शन पोटेंशियल जाएगा एवियन के पास, ठीक है, और एवियन से फिर किसने ट्रैप किया, पुरकिंजे फाइबर ने, और पुरकिंजे फाइबर ने क्या किया, दोनों वेंट्रिकल्स में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में इसको क्या किया, स्प्रेड किया। और इसी एक्शन पोटेंशियल की मदद से हमारे हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। हम जो कहते हैं ना कि हमारा हार्ट जो होता है वो एक मिनट में लगभग 70 से 72 बार धड़कता है, तो वो जो पंपिंग होती है ब्लड की वो इसी एक्शन पोटेंशियल की वजह से होती है। जनरेट कौन करता है, एसएएन, जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं पेस मेकर, मतलब पेस बनाता है, और उसको स्प्रेड कौन करता है, फैलाता कौन है, एवीएन, इसी वजह से उसको पेस सेटर बोलते हैं। हमारे पास एक टर्म आता है कार्डियक साइकिल,
कार्डियक साइकिल एक कंप्लीट साइकिल है जिसमें जो हमारा ब्लड है वो बॉडी से फिर बॉडी तक पहुंचता है। इसको आप बना लीजिए, फिर कार्डियक साइकिल मैं आपको बताऊं। इसको बना लीजिए, अब जरा देखिएगा, हमसे कहता है कि ये जो कार्डियक साइकिल होती है, इस कार्डियक साइकिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे ब्लड फ्लो करता है, ये सारी चीज़ें बता देनी पड़ती हैं हमको। कार्डियक साइकिल है क्या? एक कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। क्या बोलोगे? एक कंप्लीट साइकिल ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। और एक बार कंप्लीट ब्लड फ्लो करने में इसको लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। टोटल टाइम एक सर्कुलेशन में कितना लगता है? 0.8 सेकंड का। कार्डियक साइकिल को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है अट्रियल सिस्टोल, दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल और तीसरा ज्वाइंट डायस्टोल। ये तीन चीजें हैं। सबसे पहली चीज, सिस्टोल क्या होता है? आपको यही नहीं पता होगा कि सिस्टोल क्या होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर। हार्ट का जो चैम्बर है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको क्या बोलोगे? सिस्टोल। और दूसरा आपका है डायस्टोल, लिखा हुआ है रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट चैम्बर। हार्ट का जो चैम्बर है अगर वो रिलैक्स हो तो उसको क्या बोलोगे? डायस्टोल बोलोगे। हमारे पास ये तीन हैं, जिसमें आर्टेरियल सिस्टोल में जो टोटल टाइम जो लगता है 0.1 सेकेंड, इसमें 0.3 सेकेंड और इसमें 0.4 सेकेंड। टोटल जो टाइम लगता है आपका 0.8 सेकेंड लगता है। होता कैसे है पहले इसको देखिए। ये तो टाइम की हमने बात कर ली। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमारे पास इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये आपका हो गया जीरो पॉइंट वन सेकेंड, 0.3 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड। ये क्या है? ज्वाइंट डायस्टोल। इसको क्या बोलोगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और इसको क्या बोलोगे? आर्टेरियल सिस्टोल। तो आपको ऐसे भी पूछा सकता है, तो ऐसे भी आप याद रखिएगा। हमसे कहते हैं हमारे पास ये हार्ट है। हमारे पास क्या है? ये हार्ट। इसके ये चार चैम्बर हैं जिसमें राइट अट्रियम आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट अट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपका बॉडी है, बॉडी पार्ट। और ये आपका क्या है? लंग्स। इस लंग्स में ब्लड कौन ले जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। कौन ले जाता है? पल्मोनरी आर्टरी। यहां से ब्लड वापस कौन लाता है? पल्मोनरी वेन्स। ठीक, यहां से बॉडी में कौन ले जाता है? और फिर यहां से राइट अट्रियम में आपका ब्लड आता है।
आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को ले जाती हैं, और वेन्स जो होती हैं या हम बोलते हैं एरोटा जो होता है वो ले जाता है, और वेन्स जो होती हैं ये वेन्स क्या करती हैं, कहता है ये वेन्स बॉडी पार्ट से ब्लड को सप्लाई करती कहाँ पर, राइट एट्रियम में, और यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होता है वो ब्लड किसके थ्रू सप्लाई होता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। सबसे पहले क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल होता है, हमको पता है कि यहाँ पर आपका जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है, तो जब आपका एट्रियल सिस्टोल होगा तो एट्रियल सिस्टोल में आपकी ये जो दोनों चैम्बर है, चाहे वो राइट एट्रियम है चाहे वो लेफ्ट एट्रियम है, वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा वो कौन जनरेट करेगा, राइट साइड अपर चैम्बर में प्रेजेंट SAN नोड, ठीक है ना। साइनो एट्रियल नोड ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो दोनों एट्रियम है वो क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। टोटल टाइम कितना लगेगा, 0.1 सेकेंड, और 0.1 सेकेंड में सारा का सारा जो एट्रियम का ब्लड होगा वो सारा का सारा एट्रियम ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। सारा का सारा एट्रियल ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। अब ये वेंट्रिकल क्या हो गया, पूरी तरीके से इसमें ब्लड भर गया। अच्छा, जब ब्लड भर गया तो ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से आया AVN के पास, और AVN ने प्रोकिंजे फाइबर के थ्रू उसको स्प्रेड किया, तो सबसे पहले आपका एट्रियल सिस्टोल हुआ, और एट्रियल सिस्टोल में क्या हुआ कि अपर दो जो चैम्बर थे वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, सारा का सारा ब्लड कहाँ आ गया, वेंट्रिकल में। अब क्या हो गया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अच्छा, अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा तो ध्यान देखिएगा कि जो राइट वेंट्रिकल है, इस राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ चला जाएगा, लंग्स में। जब एट्रियम का, एट्रियल का जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में आता है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर इस तरीके से कार्डियक टिंडेनी भरे होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है ना। साइनोएट्रियल जो वॉल्व होती है उसमें कार्डियक टिंडेनी लगे होते हैं, जब ब्लड आता है वेंट्रिकल में तो ये कार्डियक टिंडेनी फ्लोट करके ऊपर आते हैं, और जब ये ऐसे थे और जब ये फ्लोट करके ऊपर आएंगे तो जो देखिए ये इस तरीके से होता है, और जब ब्लड भरेगा तो ये इस तरीके से फ्लोट करके क्या होगा, ऊपर आएंगे। तो जब ये इस तरीके से फ्लोट करके ऊपर आते हैं तो अंदर जो वॉल होती है वो वॉल ओपन हो जाती है, और जो ब्लड होता है वो कहाँ चला जाता है, भाई वॉल कॉन्ट्रैक्ट होगी, फ्लो की वजह से ये ऐसे था और ये खुलता चला जा रहा है, जितना ब्लड भरेगा उतना ये खुलता चला जाएगा, और जब खुल जाएगा तो जो ब्लड है वो इसके अंदर जो वॉल होती है, जो ल्यूमेन होता है, उसके थ्रू कहाँ चला जाएगा, लंग्स के अंदर। और यहाँ पर जो ब्लड भरा है लेफ्ट वेंट्रिकल में ये कहाँ चला जाएगा, बॉडी पार्ट के अंदर, पूरा का पूरा हार्ट आपका खाली हो गया। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इसी समय भाई इसको 0.1 सेकेंड लगा, क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन इसको वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना टाइम लगा, 0.3 सेकेंड। उसी 0.3 सेकेंड में बॉडी पार्ट से आपका ब्लड धीरे धीरे फ्लो करके, या लंग से आपका ब्लड फ्लो करके कहाँ आ रहा होगा, एट्रियम में, ठीक है ना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एट्रियल डायस्टोल में कितना टाइम, ये तो हमने जॉइंट की बात की ना। अच्छा, आप पहले पूरा देख लीजिए। अब क्या हुआ कि जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो गए, भाई 0.1 सेकंड में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 0.1 सेकंड में एक साथ दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए, सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ गया, और 0.3 सेकंड में ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो यहाँ का ब्लड लंग्स में चला गया, यहाँ का ब्लड बॉडी पार्ट में आ गया। अब क्या होता है, ये चारों चैम्बर जो हमारे हार्ट के चारों चैम्बर होते हैं वो एक साथ रिलैक्स होंगे, और जब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अगर ये इस तरीके से रिलैक्स होंगे, तो जब रिलैक्स होंगे तो सारा का सारा ब्लड इसमें क्या होगा, भरेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। उसमें कितना टाइम लगता है, 0.4 सेकेंड, और तीनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 0.8 सेकेंड। मतलब टोटल हार्ट से ब्लड निकल गया और निकलने के बाद वापस से हार्ट में आ गया, उसमें टोटल टाइम कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। एट्रियल सिस्टोल में 0.1 सेकेंड लगा। अब अगर हमसे पूछा जाए या आपसे कोई पूछ ले कि एट्रियल डायस्टोल में कितना टाइम लगेगा, तो देखो टोटल टाइम इसको खाली होने में कितना लगा था, 0.1 सेकेंड। उसके बाद 0.3 सेकेंड में ये खाली हुआ था, लेकिन 0.1 सेकेंड के बाद सारा का सारा ब्लड इसमें आना शुरू हो गया होगा ना, तो 0.3 सेकेंड ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड जॉइंट डायस्टोल, मतलब ये टोटल टाइम
भाई निकालने में तो उसने इतना ही टाइम लगाया ना, तो भरने में कितना टाइम लगाया? भरने में उसको टोटल टाइम लगेगा 0.4, जो कि वो वेंटिकल के साथ रिलैक्स हुआ था, और 0.3 सेकंड जब भी आपका ये वेंटिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस समय भी ब्लड आपका अट्रियम में जा रहा था। तो टोटल अट्रियल डायस्टोल में जो टोटल टाइम लगता है 0.7 सेकेंड। अच्छा, ये आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना टाइम लगा था? 0.3 सेकेंड। कितना टाइम लगा था? 0.3 सेकेंड। अब मान लीजिए ये तो आपका ए था, मान लीजिए आपसे बी पूछ ले कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितना टाइम लगता है, तो 0.4 सेकेंड तो भाई अट्रियम के साथ उसको लगा था, तो 0.4 सेकेंड तो लगेगा ही। 0.4 सेकेंड के बाद जब आपके अट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तब इसने अपना ब्लड किसको दिया था? वेंट्रिकल को दिया था। तब तो आपका वेंट्रिकल कंप्लीटली भरा भाई, 0.4 सेकेंड तो इसको भी टाइम मिल रहा है भरने के लिए, अपने आप को इसको भी टाइम मिल रहा है, ठीक है। उस समय ये वॉल ओपन होती है, ब्लड इसमें आता है, लेकिन जब ये ज्वाइंट डायस्टोल खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपका क्या शुरू होता है? फिर अट्रियल सिस्टोल, और अट्रियल सिस्टोल में जो अट्रिया का ब्लड होता है कहाँ आता है? वेंट्रिकल में। मतलब वेंट्रिकल में ब्लड दो बार भरता है, एक बार ज्वाइंट डायस्टोल के समय और एक बार अट्रियल सिस्टोल के समय। जब अट्रिया कॉन्टैक्ट होते तो सारा का सारा ब्लड किसको भेज देती हैं? वेंट्रिकल को। उसके बाद सारा का सारा वेंट्रिकल का ब्लड आगे जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितना टाइम लगेगा, तो 0.1 सेकेंड और 0.4 सेकेंड, टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 0.5 सेकेंड। याद रखिएगा, अट्रियल सिस्टोल में 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकेंड, ज्वाइंट डायस्टोल में 0.1 सेकेंड। और एक कार्डियक साइकिल में लगभग 70 ml ब्लड फ्लो होता है। एक कार्डियक साइकिल में कितना होता है? 70 ml ब्लड फ्लो करता है। अब मान लीजिए आपसे मिनट में पूछ ले, घंटे में पूछ ले, तो 0.8 सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में आपका 70 ml होता है, तो अपना एक मिनट में निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट कार्डियक साइकिल, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, इसके आगे हम फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट कार्डियक साइकिल का अमाउंट कैसे निकालते हैं और आपका ECG, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।